तरफ, अंदर से, और अंदर से, हाँ। दिया? हाँ? और कितनी खुदाई बाकी है? अभी तो काफी हद तक खुदाई बाकी। स्मृति, ये जगह मेरे लिए काफी दिलचस्प है। वाकई मुझे तो लगता है कि किसी जमाने में ना यहाँ किसी प्राचीन संस्कृति की खोज की गई होगी। हाँ अच्छा गाइस, मैं वहाँ देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। मैडम मैडम, मेरी मानिए तो खुदाई बंद करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये ठीक कह रहा है मैडम, आप जिस जगह पर खुदाई करवा रही हैं, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। क्या? जी मैडम। अब इस तरह मुर्दों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। अरे हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ तो एक नगर बसने वाला था। नगर? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर खुदाई करना मना है, फिर भी आप लोग। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्यत आप सब लोगों को बहुत भारी पड़ेगी। ये मनुष्यत नहीं है, ये एक महान खोज है। कहाँ गया वो चेहरा? अभी तो यही था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं? फिर से वही चेहरा? साथ किला यहाँ कैसे? नक्शे में तो नहीं था।
बड़ा किला है और नक्शे में इसका नामो निशान नहीं है। आवाज जैसी लग रही है, कहीं किले के अंदर से तो। चूल्हे की आवाज तो बंद हो गई। तुमने मारा ना इसे।
मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, बचाओ, बचाओ। मुझे मत मारना, मत मारना मुझे। मत मारो मुझे, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। दिखाई नहीं दी, यही के आसपास टहल रही होगी। मिमी, दिया, मिमी, दिया, मिमी, क्या हुआ? अंदर जंगल में ना किला, 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 कौन सा किला? एक बहुत बड़ा किला, और वहाँ पर मैंने माया की लाश देखी। कौन माया? अरे वो फिल्मा किस माया? लेकिन उसे किसने मारा? एक आदमी था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी था, उसने मारा। कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी? क्या काम करती दिन्नी? हम चलकर देखते हैं। वहाँ नहीं चलते, वहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर कोई किला विला नहीं है। है, मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा किला है। चलो चलकर देखते हैं फिर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। हम चलते हैं, हम चलते हैं। मैं कहता हूँ चलो चलकर देखते हैं, चलो। मार के सब कुछ कुछ नहीं होगा, चल चल। वो मार दे। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, वो मार दे। चल यही तो था वो किला, पता नहीं कहाँ चला गया। किला तो दूर, मुझे तो यहाँ एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हम यहाँ पर बचपन से रहते आए हैं, अगर यहाँ पर कोई किला होता तो हमें जरूर पता होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये देखो मेरा पैर, वही किले में छूट गया था। क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? Of course not, स्मृति। अगर हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? लेकिन यहाँ कोई किला नहीं है। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? स्मृति, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो हम वापस गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ स्मृति, चलो। यही पर था वो किला। ये लो मैम साहब। आज न्यूयॉर्क में हुए कार हादसे में मशहूर एक्ट्रेस माया की मौत हो गई है। वो केवल 25 बरस की थी। माया न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने आई थी। कौन जानता था कि छुट्टियों के ये दिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होंगे। स्मृति, तुम्हें तुम्हें माया की मौत के बारे में पता कैसे चला? हाँ स्मृति, बोलो ना। कहीं आपको माया की मौत का पूर्वाभास तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो पूर्वाभास नहीं था। मैंने माया की लाश अपनी आंखों के सामने देखी, चूल्हे पर। पर माया की मौत तो न्यूयॉर्क में हुई, तुमने उसकी लाश यहाँ कैसे देख ली? यही तो मैं अभी समझ नहीं पा रही। अभी से थोड़ा आराम करने दो। स्मृति, तुम प्लीज जाकर थोड़ा सो जाओ।
It has been a long day for you. जाओ, सो जाओ. चूल्हे की आवाज. कह रही थी ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा. मगर अगर माया की लाश यही है तो न्यूयॉर्क में उन्हें किसकी लाश मिली? ये चूल्हा अपने आप कैसे चल रहा है? कोई निकालो मुझे यहां से. मेरी मदद करो. Oh,
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मत मारो मुझे। बेटा ये क्या हो रहा है? जब से तुम वापस आई हो खोई खोई सी रहती हो। ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा? हाँ बेटा मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगी बेटा? मुझे मत मारो। नहीं बेटा ना, मेरे में खून था, मैं सच कह रही हूँ, मैं खून था। नहीं बेटा, बेटा ये क्या कर रही हो? होश में आओ बेटा, कहीं खून नहीं है। ये दिन ब दिन तुम्हारे दिमाग को क्या होता जा रहा है? कहाँ जा रही हो? मेरे एक सीनियर की मौत हो गई, उसी की शोक सभा में जाना। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। लाश बिल्कुल टिन के डिब्बे की तरफ पिचक गई थी। लिफ्ट में मौत हुई है बेचारे की। खुशी खुशी तो ऑफिस गया था, किसे पता था कि फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। बहुत हंसमुख था। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ आउटडोर ट्रिप पर भी गया था, हर वक्त मस्ती मजाक करता रहता था। मुझे तो विशाल से मिलने का मौका भी नहीं मिला। जानती हूँ, पर तुमने तो कहा था कि तुम विशाल से कभी मिली ही नहीं हो। काम होती है इसकी, काम होती है मुंबई में। नहीं नहीं, इसकी मौत उस झूले में, जहाँ माया को मारा गया था। हाँ, मरने से पहले बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। उसे किसी झूले और किले सपने में आते थे। सुन रहा आप लोगों को आवाज? ये झूले की आवाज है। हाँ, बंद करो। ये नहीं तो मारेगा, सबको मारेगा, तुमको मारेगा, सबको मारेगा। वो मौत का झूला, मौत का झूला, मौत का झूला। नहीं देखना चाहिए था तुम्हें।
देख लिया तो तुझे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हो। इस लड़की को इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मदद? किसकी? तो ये है स्मृति, इसके तो चेहरे से ही लगता है कि किसी बुरी आत्मा ने इसकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आकाशी तुम जाओ, मुझे स्मृति से अकेले में बात करनी है। बताओ स्मृति तुमने क्या देखा, याद करो, बताओ मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुमने देखा है, बताओ। बताओ स्मृति बताओ। मौत, मौत देखी वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सब लोगों को मारता है। पहले मैंने उस माया की लाश देखी चूल्हे में, और फिर उस कुल्हाड़ी वाले आदमी ने मेरे सामने विशाल को मार दिया। अब वो मुझे मारना चाहता है, मेरे पीछे पड़ा है वो। बदकिस्मत हो तुम, बहुत बदकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई मामूली आत्मा नहीं, मौत का सौदागर लगा हुआ है। मौत का सौदागर? हाँ, मौत का सौदागर, जिसका काम है आत्माओं को मौत के घाट उतारना। आत्माओं को मौत के घाट उतारना? पर ऐसे कैसे हो सकता, आत्मा तो कभी नहीं मरती, मरता तो सिर्फ शरीर है ना। नहीं, आत्माएं मरती हैं। माया का शरीर न्यूयॉर्क में मरा, लेकिन जब तक वो मौत की दुनिया में प्रवेश करती उसकी आत्मा झूले पे मार दी गई। वही उस जगह क्यों? क्योंकि इस धरती पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे आत्माओं को मारा जाता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है
कि तुम गलत समय पर गलत जगह पर पहुंचे। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विशाल का हुआ था, क्योंकि उसे पता लग चुका था मौत की दुनिया का वो खौफनाक राज। और जिसे वो भयानक राज पता चल जाता है उसे मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती। मैं कहती हूँ चली जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं मरना चाहती मैं। उसकी मौत का राज बताने की जो तूने गलती की है उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मोनिशा कहाँ हो बेटी तुम? आ जाओ हमें जाना है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? उस औरत को मेरी मदद करनी ही होगी। अगर वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब किसे फोन कर रही हो? उसी औरत को जिसके पास आप मुझे भी ले गई थी। अरे लेकिन वहीं से तो आ रहे हैं। हेलो हेलो, वंशिका जी है, मुझे उनसे बात करनी है। जी उनकी तो अभी अभी मौत हो गई। क्या हुआ? मर गई। क्या? मर गई। मोनिशा के पास आकर क्यों खड़ा होता है? कहीं अब मोनिशा भी तो नहीं? दीदी? हाँ दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी बुरी बुरी बातें सोचेंगी तो फिर नींद कैसे आएगी? मेरे नहीं सोचने से वो आदमी रुक नहीं जाएगा। आदमी दीदी, कैसा आदमी? ये आपका सिर्फ बहन है, सिर्फ और सिर्फ है। मैंने कहा ना वो है। दीदी वो सब जाने दीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए।
जानती हूँ तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, करोगे भी कैसे? अगर उस भयानक आदमी को तुमने देखा होता ना, तब तुम यकीन करती। दीदी पता है आपको कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? पता है आपको कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? हाँ दीदी झूला, चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं। हाँ दीदी मैंने ना ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मुझे अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। लेकिन दीदी एक अजीब बात हुई सपने में। कौन सी अजीब सी बात? मेरी घड़ी है ना टूटी हुई थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे और बस घड़ी अटक गई। इसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ तुम जानती हो इस सपने का क्या मतलब है? जानती हो? दीदी सपनों का कोई मतलब नहीं होता, ये ख्याल तो हमारे दिमाग में होते हैं, बस सपनों के जरिए आंखों के सामने आ जाते हैं। अब देखिए ना, कल मैं ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ और बस वो सपनों में आ गया, और क्या। ओ, दीदी अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। ओके चलिए 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 सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताओ तुम्हें, तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था, मौत का इशारा। कल सुबह 10:30 बजे मौत तुम्हें लेने आएगी, मौत तुम्हें लेने आएगी। मामा, मोनिशा, मामा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मेरी वो ऑरेंज ड्रेस कहाँ चली गई मामा? अरे वो ड्रेस तो स्मृति पहन के चली गई। क्या? मेरी ऑरेंज ड्रेस दीदी पहनकर चली गई? कमाल है, मैंने उनसे कहा था कि आज वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ और फिर भी। लेकिन माँ दीदी तो बीमार है ना, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? मामा मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, पता नहीं आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो। और मेरी घड़ी भी नहीं है। शायद वो भी स्मृति ने ही पहन ली हो। आखिर ये दीदी को हुआ क्या है? पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर आज लेट हो गई तो बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे।
ऐसा नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं मर सकती, मौत तो मेरी होनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं मर सकती, मनुष्य नहीं मर सकती, मनुष्य। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? मार डाला तुमने उसे? क्यों उसकी जान ली तुमने? जवाब दो। वो भयानक राज पता चल जाता है, मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मोनिशा, अब कैसा महसूस कर रही हूं? बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। नहीं मोनिशा, नहीं, उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की सच जरूरत है। मम्मा, दीदी कहाँ है मम्मा? आई एम सॉरी मनीषा, मैंने आपको तो बचा लिया, लेकिन आई एम सॉरी स्मृति को नहीं बचा पाया। बेटा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त स्मृति की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। हाँ माँ, मैंने दीदी को देखा था, उस झूले पर बैठी थी दीदी, उस झूले का सपना आया था मुझे, दीदी को मैंने बताया था उस सपने के बारे में, मुझे लगता है मेरी जान बचाने के लिए दीदी ने मेरी मौत को अपने गले लगा लिया।